डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम आजकल कई लोगों में दिखाई देती है। ये हमारे शरीर में कई बीमारियों को जन्म देती है और हमें इसके काफ़ी परहेज बरतने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसे क्लियर करने के लिए आज मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और कुछ ऐसी हस्त मुद्राएं बताऊंगी जिससे आप शुगर को यानी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये किस तरह से हमें करना है तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट और हस्त मुद्राएं ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और इसके साथ ही ब्लॉक एनर्जी जो होती है उसे अनब्लॉक करने का काम करते हैं और हमारे शरीर में सभी जो फंक्शन होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं, सुधारने लगते हैं। इससे आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो जाता है। और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए आपका पैनक्रियाज का जो फंक्शन होता है वो नियंत्रित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और पैनक्रियाज का फंक्शन नियंत्रित करने के लिए हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट करने हैं, यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट करके उस पॉइंट को एक्टिव करना है। वो किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और फिर हम हस्त मुद्राएं देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैशाली और 40 प्लस मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। शुगर लेवल नियंत्रित करने के लिए, डायबिटीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर पॉइंट देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि राइट हैंड में हमें थंब के साइड में जो लाइन आती है वहाँ पर हमें इस तरह से राइट हैंड के उंगलियों से लेफ्ट हैंड पर हमें प्रेशर देना है। ये पॉइंट हमें एक्टिव करना है। इससे क्या होता है कि स्पीन, किडनी और पैनक्रियाज का फंक्शन नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्प होती है और इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो जाता है। ये हमें सुबह और शाम दो टाइम करना है। खाना खाने के 2 घंटे पहले कर लेना है या फिर 2 घंटे बाद करना है, खाना खाने के तुरंत बाद इसे नहीं करना है। ये आप बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए दिन भर में 2 टाइम कर लेते हैं तो इससे आपके डायबिटीज़ को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प होती है। इससे पैनक्रियाज में सुधार आता है और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये हमें दोनों हाथों में नहीं करना है, ये हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड में करना है और राइट हैंड में हमें अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। राइट हैंड में हमें यहाँ पर दबाना है, ये पूरी जो लाइन है यहाँ पर हमें प्रेस करना है। इस तरह से आप अगर प्रेस करते हैं तो ये भी आपके पैनक्रियाज में सुधार लाने का काम करता है और आपका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित हो जाता है। ये भी आपको दिन भर में 2 टाइम करना है, सुबह शाम 2 टाइम आपको कर लेना है। सिर्फ ध्यान में रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको नहीं करना है, 2 घंटे का गैप पहले रख सकते हैं या फिर बाद में रख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेशर देते हुए ये पॉइंट्स दबाने हैं। नेक्स्ट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है वो हमारे स्मॉल फिंगर के एग्जैक्ट नीचे, ये पॉइंट पर आपको दबाना है। यहाँ पर आप दिन भर में 2 टाइम आपको दबाना है, सुबह शाम 1-1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए आप दबा लेते हैं तो ये शुगर, आपकी ब्लड शुगर नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये आपको दोनों हाथों में दबाना है, एग्जैक्ट स्मॉल फिंगर के नीचे आपको यहाँ पर व्रिस्ट पर आपको ये पॉइंट मिलेगा। ये आपके सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में और आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसे नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये भी पॉइंट आपको 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए दबा लेना है। ये दिन भर में 2 टाइम आपको इस तरह से करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के एग्जैक्ट बीच में, इस पॉइंट पर आपको दबाना है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप सही पॉइंट दबा रहे हो। शुगर के अगर फ्यूचर में संभावना है या फिर आपको शुगर हो चुकी है, आप दवाइयाँ आपकी शुरू हो चुकी है तो आप इस पॉइंट को दबाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में ये काफ़ी हेल्प करेगी। ये हमें दोनों हाथों में दबाना है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। आप रोज़ाना 1 से 2 मिनट निकाल के दिन भर में 2 टाइम अगर दबा लेते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसकी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पैरों में भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एग्जैक्ट 1 इंच नीचे हमें लेना है और एग्जैक्ट ए पॉइंट हमें दबाना है। इस तरह से बिल्कुल 1-1 मिनट के लिए दिन भर में 2 बार आप दबा लेते हैं तो डायबिटीज़ को क्योर करने में इसकी काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राओं में सबसे पहले आती है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा हमारे थंब को
रिंग फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से हमें थंब को मिलाना है, दोनों हाथों में हमें ये करना है, 10 मिनट के लिए दिन भर में कर लेना है। आप इसे तुरंत खाना खाने के बाद ना करें, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद या पहले कर लेना है। ये आप उठते बैठते घूमते फिरते कभी भी कर सकते हैं। रुद्र मुद्रा आपके पृथ्वी एलिमेंट को बूस्ट करते हैं। आपके स्टमक में जो भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ये सभी जो ऑर्गन्स होते हैं वो पृथ्वी एलिमेंट्स पर निर्भर होते हैं। ये अगर इम्प्रूव होता है तो आपके सभी फंक्शन नियंत्रित होने में, आपके डायबिटीज़ को क्योर होने में काफ़ी हेल्प होती है। डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए अब हम देखेंगे चक्र मुद्रा। चक्र मुद्रा हमारे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव ये मुद्रा है। उसे किस तरह से करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वहाँ पर हमें राइट हैंड की जो हमारी स्मॉल फिंगर है उसे टच करना है। ये हो गया। अब हम हमारे लेफ्ट हैंड के थंब पर हमारी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और इस तरह से इसका शेप आता है बिल्कुल चक्र की तरह, इसलिए इसे चक्र मुद्रा कहा जाता है। हमने यहाँ पर ये टच किया है और ये यहाँ पर टच किया है, इस तरह से हमें चक्र मुद्रा करनी है और इसे हमें इस तरह से प्रेशर देना है दिन भर में 2 बार अगर 10-10 मिनट के लिए। शुरू शुरू में 10 मिनट करना मुमकिन नहीं होता है, बिल्कुल 5 मिनट के से शुरुआत करते हैं, 10 मिनट तक बढ़ाते हैं और इस तरह से प्रेशर देते हैं, तो ये आपके कई बीमारियों को नष्ट करने में तो हेल्प करता ही है लेकिन ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे। चक्र मुद्रा आपके शरीर के 7 चक्रों को प्यूरिफाई करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है और मेटाबॉलिक रेट भी इससे बढ़ता है। इसके साथ ही पैनक्रियास को क्लियर चलाने में ये काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए हमें इस तरह से ये जो हमारा बीच का पूरा हाथ है ये एक दूसरे पर हमें दबाना है। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं ये चक्र मुद्रा तो आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसकी काफ़ी हेल्प होगी। बिल्कुल 15-20 दिन भी आप इसे कर लेते हैं तो आपके शुगर लेवल को नियंत्रित करने में इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट आपको दिखेंगे और आपके जो डायबिटीज़ होने पर जो भी सिम्टम्स होते हैं, थकान से महसूस होना या फिर चक्कर आना, ऐसे कई प्रॉब्लम्स क्योर करने में आपको बिल्कुल 15-20 दिन में ही इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट नज़र आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।